सो ऑल राइट गाइज, फाइनली हमारे गेम के अंदर आ चुका है पर से एसेसिन क्रिएट का जो मिस्ट्री शॉप है वो, एंड यहाँ पर से हम लोग करने वाले हैं मेरा लक ट्राई। और यहाँ पर से देखते हैं भाई कि मेरे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि मेरे पास जो डायमंड है भाई वो 7000 से ज़्यादा डायमंड है। तो मेरे पास ज़्यादा डायमंड होने की वजह से मेरा जो लक है वो थोड़ा सा ख़राब निकल रहेगा और मेरे को डिस्काउंट जो थोड़ा सा ज़्यादा ही कम मिलेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हुए देखते हैं यहाँ पर किस टाइप का सीन होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें मेरे फिर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। एंड के हम लोग करते हैं यहाँ पर सब ट्राई और देखेंगे अंदर में जाकर मेरे को यहाँ पर से डिस्काउंट कितना परसेंट मिलता है। साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ पर इलाज पसंद किया मिस्ट्री शॉप करने के लिए पास है अपने, ओ भाई साहब 78% का डिस्काउंट। अब चलते हैं अंदर में, लेकिन भाई यहाँ पर क्या देख पा रहा भाई, यहाँ पर तो इलाइट पास है ही नहीं भाई यार, क्या गजब है भाई, भाई साहब यहाँ पर तो कुछ देखने के लिए मिलता ही नहीं खास यार। तो इसमें तो कुछ खरीदने लायक है नहीं, लेकिन यहाँ पर से इनक्यूबेटर का वाउचर, यहाँ पर से डायमंड रॉयल मेरे को देखने के लिए मिलता है। तो ये दो चीज़ सबसे पहले हम लोग बाय करते हैं यहाँ पर से, उसके अलावा यहाँ पर से 197 डायमंड चाहिए हम लोग के बंडल बाय करने के लिए। तो बंडल यहाँ पर सब देख पा रहे हैं एसिन क्रीड का बंडल बहुत ही सही दिखता है, तो इसके लिए मेरे को 197 डायमंड पहले वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर से कुछ ले सकता हूँ, यानी कि रियल बंडल ले सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से इनक्यूबेटर वाउचर बाय कर लेते हैं मैक्स करके। अब नीचे चलते हैं यहाँ पर से डायमंड रॉयल वाउचर का, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि लाइट पास है भी या फिर नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में स्विच नहीं किया हूँ। एंड स्विच करने के बाद पता चलेगा यहाँ पर से मिस्ट्री शॉप में लाइट पास है फिर है भी या फिर नहीं है, एंड उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायमंड रॉयल वाउचर, एंड मैं इसे परचेज कर चुका हूँ। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर से नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। नेक्स्ट वाले सेक्शन से जाने से पहले हम लोग इसे परचेज कर लेते हैं, क्योंकि बंडल तो यहाँ पर से परचेज करना मांगता है भाई। ओ भाई भाई भाई, भाई क्या ही सीन है। चलो गाइस यहाँ पर से कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर से नेक्स्ट स्विच करते हैं इसे, नहीं नहीं कार्ड वगैरह ऑटोमेटिक स्विच हो चुका है क्या भाई, ऐसा तो नहीं। ओ भाई ऐसा ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है भाई, स्विच हो चुका है यहाँ पर से, लेकिन यहाँ पर से इलाइट पास जो है भाई नहीं है भाई, जिस चीज़ का हम लोग यहाँ पर से इंतजार कर रहे थे भाई, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर से इतना दिन से वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर से हम लोग नहीं भाई, तो गलत सीन हो गया भाई। लेकिन आप लोग एक बार बता दो कि मिस्ट्री शॉप इस बार मिस्ट्री शॉप में इलेक्ट पास नहीं आया, लेकिन आप लोग इस मंथ ही कोई ना कोई होली इवेंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर से 22 या 23 तारीख को एक लेवल अप शॉप या फिर वैल्यू पैक कुछ इस टाइप का आपको इवेंट मिलेगा, जहाँ पर से आप लोगों को इलाइट पास देखने के लिए मिलेगा। टेंशन मतलब है इस मंथ आप लोगों को इलाइट पास डिस्काउंट में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने लोगों ने अभी तक इलाइट पास बाय नहीं किया भाई, अभी तक वेट कर लो आप, क्योंकि मैं अगर आपकी बात करूँ खुद की बात करूँ तो मेरे पास भी यहाँ पर आप देख पा रहे, मैं अभी तक जो यहाँ पर मिस्ट्री शॉप के चक्कर में इलाइट पास अभी तक बाय नहीं किया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलाइट पास अभी मैंने यहाँ पर अपग्रेड नहीं किया हूँ, तो आप लोग भी वेट कर लो 22 या 23 तारीख तक, ये होली इवेंट है, तो होली इवेंट के साथ साथ आपको कुछ इवेंट मिलेगा जहाँ पर से आप लोगों को जो इलाइट पास है वो डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई आपको ये जो मिस्ट्री शॉप है कैसा लगा, मेरे को तो पूरा बेकार लगा भाई, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग मिस्ट्री शॉप को वेट करते सिर्फ सिर्फ यहाँ पर से इलाइट पास के लिए, लेकिन वही चीज़ हम लोग यहाँ पर से देखने के लिए नहीं मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। तो मुझे लगा आपके साथ इस बात को शेयर कर दूँ कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पर से इलाइट पास आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर आपके पास डायमंड है तो आप उसे सेव रखो, क्योंकि आप लोगों को इलाइट पास जो देखने के लिए मिलेगा मिलेगा इसी मंथ में 22 या 23 तारीख को। तो इस वीडियो में इतना सही, मुझे वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने दिल से थैंक यू, फिर अगले वीडियो में।